Now Virgo. Virgo is a very important sign, and Virgo comes after Sinh, that is Leo राशि. हमने देखा था लियो राशि इज कुकिंग फूड, ये अग्नि तत्व की दूसरी राशि थी. हमने देखा था प्लांट्स जितने भी होते हैं वो अपने फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं. द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फूड विद अ सर्टेन टेक्निक, अब ये थोड़ा थोड़ा अभी सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा विद अ टेक्निक, बट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंह राशि. नाउ दैट आफ्टर दैट कम्स वर्गो. वर्गो इज धरती तत्व की दूसरी राशि. धरती तत्व की दूसरी राशि का मतलब है ग्रोथ फैक्टर. द ग्रोथ फैक्टर इन अ प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाई वर्गो राशि. जो ग्रो कर रहा है प्लांट धीरे धीरे डेली डेली, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई वर्गो राशि. हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, तो ह्यूमन बॉडी में हमारे जितने ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स एक जैसे नहीं रहते हैं, वो टाइम के साथ ग्रो होते हैं. सो द ग्रोथ फैक्टर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाई वर्गो राशि. वर्गो राशि जहाँ पे भी प्रेजेंट होती है आपके बर्थ चार्ट में, उस जगह को ग्रो करने में आपको बड़ा मज़ा आता है. अब ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, बट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ. मान लो वर्गो राशि आपके 11th हाउस में है, जो कि ऑफ़ कोर्स स्कॉर्पियो राशि की 11th हाउस बनती है, तो आपको आपके फ्रेंड सर्कल को एक्सपैंड करने में बड़ा मज़ा आता है. आपको आपके आपके जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम हैं उनको धीरे धीरे ग्रो करने में बड़ा मज़ा आता है. सो वर्गो राशि रिप्रेजेंट्स द नोशन ऑफ ग्रोथ. किसी भी चीज़ में कितना ग्रोथ आया है इसको वर्गो राशि रिप्रेजेंट करती है. वर्गो राशि धरती तत्व की दूसरी राशि होती है, तो जितनी भी अब ये बात थोड़ी क्रोनोलॉजिकली अगर आप समझो इस बात को, तो हमारी जो हमारा जो बॉडी है ये जो ग्रो कर रहा है ये भी धरती का ही तत्व है. और तत्व बाय तत्व आई डोंट मीन कि एक्चुअल सॉइल, नो. Whatever is मतलब देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर जिसमें से सॉलिड लिक्विड गैस होता है, एंड सॉलिड स्टेट को, सॉलिड स्टेट की ग्रोथ को हम वर्गो राशि कहते हैं. कोई भी जैसे अब टेबल है, टेबल को वर्गो राशि नहीं डिनोट करेगी, लेकिन जो वुड है, जो ट्री है, ट्री जो ग्रो कर रहा है उसको वर्गो राशि डिनोट करती है. तो वर्गो राशि रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ ऑफ एनीथिंग. जितने भी वायरोलॉजिस्ट होते हैं, जितने भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं जो कि स्टडी करते हैं छोटे छोटे माइक्रोब्स को, ग्रोथ के ग्रोथ को, उसको हम वर्गो राशि से देखते हैं. अगर वर्गो राशि में आपका सैटर्न मौजूद है तो योर कर्म बिकम्स ग्रोइंग समथिंग. अब वो डिपेंड करेगा कि आपकी वर्गो राशि किस भाव में है, किस हाउस में. अगर ये दूसरे भाव में है तो आपको आपके आसपास प्लांट्स ग्रो करना बहुत अच्छा लगेगा. जितने भी प्लांट्स ग्रो करने वाले लोग हैं, जो भी प्लांट्स की नर्सरी चलाते हैं, उनको वर्गो राशि से देखा जाता है. अगर आपका सैटर्न वर्गो में और सपोज़ तीसरे भाव में है, तो तीसरे भाव का ग्रोथ, डायरेक्शन का ग्रोथ, कंट्रोल डिसीजन का ग्रोथ, ऑप्शंस का ग्रोथ, आपको आपके ऑप्शंस को ग्रो करने में बड़ा मज़ा आएगा. आपको आपके ये वर्गो राशि ग्रोथ फैक्टर है. आप अपने बर्थ चार्ट में देखो कि वर्गो राशि कहाँ पे बिलोंग कर रही है, कहाँ पे बैठी है, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, और उस हाउस का जो मेन पर्पस होगा वो ग्रो करने का होगा. अगर वहाँ पे ग्रोथ आस्पेक्ट पे ग्रोथ की जगह पे नेगेटिव आस्पेक्ट आ रहे हैं, आप 9 प्लैनेट्स को कंसिडर करना होता है एक हाउस को स्टडी करने के लिए कि कैसे ट्रांजिट कर रहे हैं. अगर वर्गो राशि पे थोड़े नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं या नेगेटिव वे में ग्रो कर रहे हैं, तो इट बिकम्स कैंसर. इट एंड नॉट द जोडियक साइन, द डिजीज, कैंसर का फॉर्मेशन. तो जितने भी जो भी ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे हमने सेरिकल्चर देखा, जितने भी हनी बीज को कलेक्ट करके हनी जो बनाते हैं, तो फार्मर्स होते हैं, तो फार्मर्स हमने देखा था कि टॉरस में बीज डालते हैं, लेकिन एक्चुअली ग्रो करना प्लांट्स को, या फिर जो भी फार्म होते हैं, फार्म में जो भी प्लांट्स लगाए हुए होते हैं उनको ग्रो करने को वर्गो राशि से देखा जाता है.
किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर आप उठाओ, सपोज स्कूल है, तो स्कूल में सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम्स नहीं होते हैं, सॉरी, देर आर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स, देर आर डिस्पेंसरीज जहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, देर आर सेवरल ऑर्गन्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन. तो इन इंस्टीट्यूशन के जो ये ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स के ग्रोथ को वर्गो राशि डिटरमाइन करती है. जो भी बिजनेस का एक्सपेंशन होता है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस के एक्सपेंशन को वर्गो राशि से देखते हैं. जब भी वर्गो राशि में किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट होता है तो वो हर किसी के कुंडली में कहीं ना कहीं वर्गो राशि होती है और हर किसी के एक्सपेंशन को फोर्स करती है. तो बिजनेस का जो एक्सपेंशन है, जो ग्रोथ है, वो किस रैपिड वे में होगा, किस तरीके से होगा, वो सब वर्गो राशि से देखा जाता है. अगर वर्गो राशि को ज़्यादा पॉइंट मिले हुए हैं अष्टक वर्ग में, तो आप बहुत जल्दी कहीं पे जाके ग्रो करोगे, बहुत जल्दी किसी चीज़ को अक्वायर करोगे, किसी चीज़ में भी बहुत जल्दी ग्रोथ पोटेंशियल होल्ड करके बैठोगे. तो जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है उसको सिंपली हम जोडियाक की सिक्स्थ राशि, दैट इज वर्गो राशि से देखते हैं. मैं एक बात और एक्सप्लेन किया है मैंने आपको कि वर्गो राशि जो होती है वो धरती तत्व की दूसरी राशि होती है. जितनी भी सॉलिड चीज़ें होती हैं वो समय के साथ ग्रो करती हैं, उनको हम वर्गो राशि से देखते हैं. और अगर आप इस बात में डाउट करते हो कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, तो मैंने फिर कहा कि ग्रोथ नोशन को देखो, आपकी कोई चीज़ कैसे ग्रो कर रही है. अगर कोई फैमिली ट्री में आप देखो तो फैमिली ट्री किस तरीके से ग्रो होने वाली है, उसको भी हम वर्गो राशि से देखते हैं. तो वर्गो राशि आपकी कुंडली में जहाँ पे भी बैठी है, जिस जगह पे बैठी है, अगर आपके 12th प्लेस पे बैठी है, तो एक्सपेंशन इन फॉरेन लैंड्स, आप सोसाइटीज़ बहुत जल्दी चेंज करोगे, मतलब फॉरेन ट्रेवल्स का योग आपका बहुत अच्छा रहेगा. फॉरेन में किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करने को वर्गो राशि से देखते हैं. हमने बिजनेस के एक्सपेंशन को देख लिया, हमने ऑर्गन्स के एक्सपेंशन को देख लिया, ट्रीज़ में जो उनकी लकड़ी है, लकड़ी जो ग्रो कर रही है उसको देख लिया. नाउ वर्गो राशि में अगर कोई नेगेटिव एफ्लिक्शंस है तो मैंने बताया कि डिजीज़ हो जाता है. अगर पॉजिटिव एफ्लिक्शंस हो तो म्यूटेशंस भी वर्गो राशि से देखते हैं. अगर वर्गो राशि पॉजिटिवली एफ्लिक्टेड है तो आपके अंदर अच्छे जीन्स आएंगे, या फिर किसी भी जानवर के अंदर अच्छे जीन्स फॉलो करेंगे. लेकिन अगर डेबिलिटेटेड है कोई प्लैनेट वहाँ पे, जैसे सपोज शुक्र को डेबिलिटेटेड माना गया है, अब वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, डेबिलिटेशन एंड एग्जॉल्टेशन, तो वर्गो जो होती है वो ग्रोथ पे आपके फ़र्क पड़ जाता है. अगर वर्गो एफ्लिक्टेड है, आपकी सपोज आपकी वर्गो की बर्थ चार्ट हो गई, आपका एसेंडेंट वर्गो है, तो आपका जो नाम है ना वो धीरे धीरे ग्रो करेगा. लेकिन अगर आपके फर्स्ट हाउस पे नेगेटिव एफ्लिक्शंस हैं तो यू विल बी नोन फॉर बैड थिंग्स, योर नेम विल बी सोइल्ड. अगर गुड एस्पेक्ट्स हैं तो योर नेम विल बी पॉपुलर फॉर गुड थिंग्स. सो ये चेंज होते रहता है, ऐसा नहीं है कि इट विल बी बैड एंड इट विल बी गुड, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ प्लैनेट्स. जितने भी माल नरिश्ड बच्चे आप देखते हो, उनके नरिशमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, उनके ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है. ये बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एफ्लिक्शन ऑफ सिक्स्थ हाउस होता है. अगर सिक्स्थ हाउस आपका नेगेटिवली एफ्लिक्टेड है तो आपकी ग्रोथ में बहुत हैम्पर होंगी. और ये हाउस अलग होता है, राशि अलग होती है. तो ये जो वर्गो राशि है आपके, जिस भाव में, सपोज़ आपके नाइन्थ हाउस में बैठी है वर्गो राशि, तो नाइन्थ हाउस विल ग्रो, विल जैसे कि नाइन्थ हाउस मैंने बताया डिस्चार्ज का हाउस है, तो आफ्टर सम टाइम यू विल बिकम वेरी डिस्चार्ज ओरिएंटेड. आप खुद दान देने में बहुत मज़ा आएगा, आप किसी भी चीज़ को हल्का रहना पसंद करोगे विद टाइम. सो वर्गो उसको भी डिटरमाइन करता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट वर्गो. हाँ, मैंने बताया था कि वर्गो अगर आपके एसेंडेंट पे हो और वहाँ पे केतु बैठा हो तो ये आपको माल नरिश बना देता है, बिकॉज आपको अपने बॉडी से मतलब नहीं रह जाता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केतु. और जो वर्गो राशि ये ग्रोथ को डिटरमाइन करती है. वैसे भी आपकी बॉडी ग्रो करती है, लेकिन आपकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है इसको बहुत इफेक्ट पड़ता है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू वर्गो कन्या राशि. सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब.